वेको जी शाह जी के छोटे बेटे थे जो बीजापुर के सुल्तान की सेवा में एक सैन्य कमांडर थे। अपनी छोटी पत्नी तुकाबाई मोहित के माध्यम से वह शाह जी के समय के कर्नाटक भाग में सफल हुआ, अतः बेंगलुरु और तंजावुर। 1663 में मोदूर के नायक ने तंजावुर के शासन के तहत तंजावुर राज्य पर आक्रमण किया, नायक और शासन को खदेड़ दिया। इसके बाद वह अपने छोटे भाई आलगिरी नायक को तंजावुर की गद्दी पर बिठाने के लिए आगे बढ़े। यह तंजावुर के दरबार की एक उच्च पदस्थ अधिकारी जायसवा विकता को नगरगुरु गुजराजीनों ने तंजावुर के दिवंगत नायक विजयराघव के अवदस्य पुत्र चेंगामाला दासु के मुद्दे का समर्थन किया था। वह नाबालिगा चेंगामाला दास के साथ बीजापुर के अली आदिल शाही द्वितीय के दरबार में गए थे और उनसे मदद का अनुरोध किया। आदिल शाह ने बेंगोजी को तंजावुर पर आक्रमण करने और नायकों की पुरानी पंक्तियों का सिंहासन बहाल करने के लिए भेजा। एक संस्कृत पांडुलिपि भोसला सवती बताती है कि कैसे वेकोजी ने अरनी पर विजय प्राप्त की और इसे तिरुचिरापल्ली के नायक के बंधनों में मुक्त करने के लिए तंजावुर की ओर बढ़े। पांडुलिपि में आगे बताया गया है कि तिरुवाड़ी के पास तिरुमाला पाड़ी में डेरा डालते समय भगवान ने उन्हें एक सपने में दर्शन दिए हैं और उन्हें घर नहीं छोड़ने के लिए कहा। हालांकि विलकस मराठा वेकोजी द्वारा हड़पने के लिए अलग अलग कारण बताते हैं। उनका विचार है कि वेकोजी चेंगमला दास के आचरण से खुश नहीं थे, जिन्होंने युद्ध खर्चा का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। रायसम कोलकाता की सहायता से जिन्होंने एक बार फिर पाला बदल लिया था। वेकोजी ने अरियमा पेटर पर विजय प्राप्त की और आलागिरी को हराया, जो अब अपने भाई से भी अलग हो गए थे। चौकन्नाथ नायक साथी छगमला दास ने भी अपने लिए सिंहासन सुरक्षित कर लिया। बीजापुर के सुल्तान की मृत्यु पर उसने खुद को तंजावुर के स्वतंत्र राजा के रूप में ताज पहनाया। तंजावुर मंदिर की मराठी शिलालेखों में तंजावुर पर कब्जे की तारीख जनवरी 1676 बताई गई है। मद्रास तमिल पांडुलिपि में क्रमशः वेकोजी प्रथम के शासनकाल की विजय और समाप्त की तारीख 1675 और 1679 बताई गई है। इसी तरह मराठी शिलालेखों में एक वेकोजी की मृत्यु 1684 बताई गई है। हालांकि विकलेश का दावा है कि वेकोजी 1686 से 1687 में जीवित थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में 1699-1700 के बीच वेकोजी नामक राजा का उल्लेख है। हालांकि धर्मकूट रामायण पर एक टिप्पणी सुझाव देती है कि वेकोजी ने अपने बेटे साहूजी के पक्ष में वर्ष 1684 में राजगद्दी छोड़ दी होगी। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि इस घटना के बाद वह कितने वर्षों तक जीवित रहे। 1676-1677 में शिवाजी ने जागीर के अपने हिस्से पर दावा करने के लिए कर्नाटक में एक अभियान चलाया, साथ ही पूरी संपत्ति लाने की इच्छा भी जताई। मराठा शासन के अधीन दक्षिण भारत इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने गोलकुंडाओं के साथ संधि की जिद्दी जीजी और कोलारून नदी के उत्तर की सभी भूमियों पर विजय प्राप्त करने के बाद तंजावुर की ओर बढ़े। लेकिन एक मुगल साम्राज्य आक्रमण ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वेलोर को सतोजी नामक सौतेला भाई के शासन के अधीन कर दिया। वेकोजी प्रथम ने सेठोजी को भगाने के इरादे से उसके क्षेत्र में नियमित सैन्य अभियान शुरू करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि 1680 में बीजापुर ने शिवाजी के आक्रमणों के आगे घुटने टेक दिए और कोलारून नदी के उत्तर की सभी भूमि का प्रशासन शिवाजी को सौंप दिया। वेकोजी प्रथम को शिवाजी का जागीरदार बनाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि शिवाजी की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना बंद कर दिया गया और तंजावुर ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रखा। इस काल में संस्कृत तमिल और तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। कहा जाता है कि वेकोजी ने ही रामायण के तेलुगु संस्करण की यही रचना की थी।